पहासोर स्थित कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को धमकी देकर फिरौती मांगने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का एक बदमाश गिरफ्तार दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया फिरौती की मांग करने व ना देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम द्वारा आपराधिक गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है पुलिस की टीम द्वारा सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को दिल्ली से काबू किया गया मामले की जानकारी देते हुए सी आई के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पहाशोर में स्थित एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को धमकी देकर फरौती मांगने के मामले में कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई आपराधिक गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने बताया कि बलवान निवासी बादली की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया गया था उन्होंने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सी आई ए टू में तैनात सहायक उप नरेंद्र की पुलिस टीम द्वारा मामले में वांछित आरोपी को पूठ खुर्द दिल्ली से काबू किया गया आरोपी की पहचान अंकित उर्फ लड्डू निवासी भूटाना सोनीपत के तौर पर की गई आरोपी ने प्राथमिक पूछताछ में उपरोक्त मामले का खुलासा किया है गिरफ्त में आए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बदमाश अंकित उर्फ लड्डू के खिलाफ पहले भी अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं आरोपी के खिलाफ हत्या हत्या का प्रयास अपहरण मारपीट व लड़ाई झगड़ा करने के अलग अलग आपराधिक मामले सोनीपत में दर्ज हैं पहासौर में दर्ज फिरौती मांगने व धमकी देने के मामले के अतिरिक्त अवैध हथियार रखने का एक मामला बहादुरगढ़ में भी दर्ज है आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे अदालत बहादुरगढ़ में पेश किया गया जहां से आरोपी को पूछताछ के लिए दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है मामले की जांच पड़ताल की कार्रवाई जारी है